नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे आपके चैनल पे एटमिक्स में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि न्यू पप्पी को जैसे दही या फिर बटर मिल्क यानी छाछ कब हमें देना चाहिए, यानी कर्ड यानी बटर मिल्क हमें कब देना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डॉग के लाइफ के लिए, डॉग के हेल्थ के लिए। और मोस्ट ऑफली जो भी न्यू डॉग ओनर होते हैं या फिर सेकेंड डॉग ओनर होते हैं या डॉग ब्रीडर होते हैं, वो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि उसको बटर मिल्क या फिर दही आपको देना चाहिए। वो उसके हेल्थ के लिए, डाइजेस्ट सिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। गाइस, ये सब चीज़ देने से तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, बट हमें देना कब चाहिए ये सही तरीका हमें जानना ज़रूरी है, नहीं तो कभी कभार कभी भी देने के कारण भी उसके हेल्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर हो सकता है। तो गाइस, इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ, इसलिए पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके पप्पी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट वाली वीडियो ये बन जाए। तो वीडियो को अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना। आप नया नया पपी घर पे लेके आते हो तो उसका मदर मिल्क बंद हो जाता है, उसको और भी कुछ आपको देना नहीं होता, तो उसके बाद क्या करना है आपको, धीरे धीरे उसको जो सेरेलैक्स आप घर पे लाते हो तो सेरेलैक्स उसे देना है। एकदम से आपको दही या फिर बटर मिल्क यानी छाछ या बिल्कुल उसको देना ही नहीं देना है, नहीं तो बहुत सारे डॉग ओनर क्या करते डायरेक्टली वो दे देते तो वो खाते नहीं है, डॉग का मुँह का स्वाद भी नहीं होता वैसा, क्योंकि उसको दूध की उसकी मदर मिल्क होता है उसकी आदत लग जाती है। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे उसको जो है पहले सेरेलैक्स चालू करना है, जैसे उसको 10-15 दिन हो जाते उसके बाद आपको क्या करना है, उसको दही देना है। दही आपको क्या करना है, दिन में उसको एक बार ही देना है और 2 चम्मच आपको देना है। एक साथ दही उसको चालू नहीं करना, नहीं तो उसका डाइजेस्ट सिस्टम थोड़ा बहुत गड़बड़ कर सकता है, क्योंकि न्यू पपी होता है ना, तो उसका कभी भी डाइजेस्ट सिस्टम स्टेबल नहीं होता, कभी भी गड़बड़ कर सकता है। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे उसको दही चालू करना है, एक दिन दिया फिर एक दिन गैप रखना है, फिर से आपको देना है, तो ऐसे में उसको फिर दही की हैबिट लग जाएगी। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, सुबह शाम थोड़ा बहुत दही भी उसे दे सकते हैं और सेरेलैक्स भी उसे चालू कर सकते हैं। बटर मिल्क आपको अभी भी नहीं देना, वो आपको और थोड़े दिन के बाद उसको देना है। बटर मिल्क और ये दही काफ़ी ज़्यादा चीपेस्ट प्राइस में आपको मिल जाएगा, जैसे 10-20 रुपये में आपको मिल जाएगा, और इससे आपका पप्पी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। तो जैसे थोड़े दिन हो जाते हैं फिर आपको क्या करना है, बटर मिल्क उसको धीरे धीरे करके चालू करना है। बटर मिल्क भी आपको एकदम से नहीं देना, आपको कोई भी चीज़ कभी भी पप्पी नई पप्पी होता है उसको एकदम से चालू नहीं करनी है, आपको धीरे धीरे करके चालू करनी है, जिससे पप्पी क्या करेगा, थोड़ा बहुत खाएगा पिएगा और फिर से वो जो लूज मोशन होता है वो उसको होने के चांसेस जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा करके दोगे तो अच्छे से डाइजेस्ट भी कर लेगा और उसको पोटी बार बार नहीं जाना पड़ेगा। कभी कभार क्या होता है, डॉग जैसे न्यू पपी खा लेता है थोड़े टाइम बाद 15-20 मिनट के बाद वापस से पोटी कर लेता है, इसलिए अगर आप थोड़े थोड़े क्वान्टिटी में दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे आपका पपी 60 दिन का, 65 डेज़ या फिर 70 डेज़ का हो जाता है या 2 महीने का भी आप बोल सकते हैं, उसके बाद भी आपको क्या करना है, दही के साथ थोड़ा बहुत उसको चावल आपको ऐड करना है, जिससे क्या होता है उसकी हेल्थ अच्छी खासी ग्रो करने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद होगी। आप चावल के साथ बटर मिल्क आपको मिक्स नहीं करना, बटर मिल्क आप ऐसे उसको जो है पीने के लिए कभी कभार दे सकते हैं। उसको भी ध्यान रखना, आपको ठंडी अगर चल रही होगी, आपके यहाँ पे अच्छी ठंडी हवाएं चल रही है, तो उस टाइम पे आप उसको बटर मिल्क या दही थोड़ा बहुत अवॉइड कीजिएगा, नहीं देना आपको। फिर आप उसको शाम को टाइम पे जैसे कि 5 या 4:30 बजे के आसपास उसको दही आप दे सकते हैं, फिर आप उसको बटर मिल्क आपको नहीं देना है। जैसे जैसे आपको पपी 6 मंथ का या फिर 4 मंथ का हो जाता है, फिर रोटी के साथ भी आप उसको छाछ रेगुलर भी दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके अंदर आपको उसको जैसे कि एग वगैरह होते हैं वो भी मिक्स करके आप उसे दे सकते हैं, या फिर उसके अलावा डॉग फूड भी आप उसको घर के खाने के अंदर मिक्स करके दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर आपका डॉग एडल्ट है, आप सोच रहे हो उसको रेगुलर बेसिस पे हम क्या खाने को दे सकते हैं, तो आप ऐसे भी जो छाछ होती है उसको और रोटी के साथ मिक्स करके भी आप उसे दे सकते हैं, रेगुलर बेसिस भी आप भी दे सकते हैं, या फिर घर में जैसे कि दाल वगैरह हो गया उसका पानी भी मिक्स करके आप उसे दे सकते हैं। दही के साथ उसको जैसे कि दही चावल उसके अंदर एग मिक्स करके भी आप अपने डॉग को खिला सकते हैं, तो उससे भी उसका डाइजेस्ट सिस्टम काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि न्यू पप्पी को जैसे कि मिल्क वगैरह पीने को दे देते हैं या फिर घर पे जैसे लाते वैसे मिल्क देते, तो मिल्क आपको नहीं देना क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है और डॉग डाइजेस्ट जो है बिल्कुल नहीं कर पाता। अगर आप स्ट्रीट डॉग को मिल्क वगैरह देते हो तो अच्छे से डाइजेस्ट कर लेंगे, बट आपकी जो ब्रीड होती है वो अलग नस्ल वाली होती है, तो इससे वो इतना जल्दी से डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इसलिए मिल्क आपको बिल्कुल भी नहीं देना। उसके जगह आप मिल्क रिप्लेसर पाउडर आता है वो आप दे सकते हैं, या फिर आप उसको सेरेलैक्स भी दे सकते हैं। और ध्यान रखना, जैसे आपका एडल्ट हो जाता है तो कभी कभार आप जो है उसको दूध या मिल्क वगैरह दे सकते हैं, बट रेगुलर आपको नहीं देना। कभी कभार बाय चांस अगर आपके पास छाछ या दही नहीं है या फिर कुछ चीज़ नहीं है, तो उस टाइम पे आप कभी कभार उसको जो है मिल्क वगैरह देना है, वरना डॉक्टर हो गए या फिर कोई भी हो गया वो आपको मिल्क देने से मनाही हमेशा करेंगे, इसलिए मिल्क आपको ज़्यादा उसको नहीं देना है। तो गाइस, आशा करते हैं छोटी सी वीडियो थी आपको अच्छी लगी, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछना, मैं उसके लिए आपको वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।